preparation of haloalkanes from alcohols. This is one of the most widely used method for the preparation of haloalkanes in the laboratory. In this method, hydroxyl group of alcohol is replaced by the halogen atom by reaction with concentrated halogen acids, phosphorus halides and or thionyl chloride. First, let's take the action of alcohol with halogen acids. What happens? Alcohol reacts with different types of halogen acids in different conditions and result in the formation of haloalkanes. For example, CH3CH2OH. This one is the alcohol. It reacts with the halogen acids like HCl, HCl hydrochloric acid. It's a gaseous form and it results you what? CH3CH2Cl plus H2O. यहाँ पे ये water remove होगा यहाँ पे और ये जो reaction होता है, this reaction takes place in the presence of anhydrous zinc chloride. Anhydrous zinc chloride needed here for the cleavage of CO bond, carbon or oxygen के बीच में two trialkyl का, इसको क्लीव करने के लिए हम zinc chloride का यहाँ पे help लेते हैं और इस reaction को हम बोलते हैं फिर groups process. Groups कई बार exam में इसको इस तरह से पूछ लिया जाता है, write short note on groups process. तो this one is the groups process. In this process, formation of haloalkanes takes place with the help of alcohols by reacting alcohol with the hydrochloric acid in the presence of zinc chloride. Secondary alcohol ka reaction bhi isi tarah se hoga, bilkul similar condition mein. Lekin agar tertiary alcohol ko humne react karana hai to simple room temperature pe hi ho jata hai kyunki tertiary alcohol jyada reactive hota hai. Is wajah se tertiary alcohol mein anhydrous zinc chloride ki zarurat nahi padti hai. सेकेंड हम देखते हैं कि HBr के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है. अल्कोहल आप ले सके अल्कोहल CH3CH2OH प्लस HBr. HBr में ब्रोमो इथेन की फॉर्मेशन होगी एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. तो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होगा ये CH3CH2Br, ब्रोमोइथेन की फॉर्मेशन होगी प्लस यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाय प्रोडक्ट के रूप में अलग हो जाएगा और थोड़ा सा हीट करते हैं इसको हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट काम करता है, मींस सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे प्रोटोनेशन कर देता है OH की, जिससे कि यहाँ कार्बोकैटायन बनता है. कार्बोकैटायन फिर हैलोजन के साथ, हैलोजन आयन के साथ जुड़ करके हेलोएल्केन की फॉर्मेशन कर देता है. जहाँ तक आइडोएल्केन की फॉर्मेशन की बात है तो आइडोएल्केन को सिंपली हम अल्कोहल का रिएक्शन करते हैं एच आई के साथ, हाइड्रो आयोडाइड हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ और रिफ्लक्स करते हैं इसको, थोड़ा सा रिफ्लक्स करते हैं हम और इट रिजल्ट्स यू CH3CH2I आइडोएल्केन एंड यहाँ पे भी पानी एज ए बाय प्रोडक्ट निकल जाता है. हीट करते हैं थोड़ा सा हम इसको एच आई के साथ अल्कोहल को. द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इट इज दैट द सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोमाइड्स, मींस सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोमाइड्स की फॉर्मेशन है या आयोडाइड्स की फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाती है अल्कोहल से, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स को जब हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो वहाँ डिहाइड्रेशन हो जाती है, एल्कीन्स बन जाता है, हेलोअल्केन्स की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है. लास्ट में हमारे पास रह जाता है HF. HF के साथ रिएक्शन नहीं हो पाता है अल्कोहल्स का, क्योंकि HF जो है बहुत कम रिएक्टिव है और जो फ्लोरोअल्केन्स की प्रेपरेशन है नहीं हो पाती है इस मेथड से सीधा अल्कोहल्स का HF के साथ रिएक्शन करके. और एक और बात बता दें हम यहाँ पे, अगर हम इन तीनों HCl, HBr और HI के रिएक्शंस को देखें अल्कोहल्स के साथ तो हम ये देख सकते हैं कि इन सब में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है उसमें HI ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू HBr एंड HCl. तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है
है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हैलोजन एसिड्स टुवर्ड द एल्कोहल्स. तो एच आई इज मोर रिएक्टिव देन एच बी आर देन एच सी एल. और ऐसा किस लिए होता है? ड्यू टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि एच आई की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम है कंपेयर टू एच बी आर एंड एच सी एल, इसलिए इजिली ये रिएक्ट कर जाता है एल्कोहल्स के साथ, एच आई देन एच बी आर देन HCl. और जहाँ तक बात है डिफरेंट टाइप्स के अल्कोहल्स की, जैसे हम बताएं कि टर्शरी अल्कोहल होता है, सेकेंडरी अल्कोहल होता है, प्राइमरी अल्कोहल होता है, तो जो रिएक्टिविटी है अल्कोहल्स की टुवार्ड्स द हैलोजन एसिड्स, उसमें जो टर्शरी अल्कोहल होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है सेकेंडरी से, और प्राइमरी सबसे कम रिएक्टिव होता है. तो ये था क्यों HI, HBr, HCl डिफरेंट कंडीशंस में अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि HI ज़्यादा रिएक्टिव होता है HBr से और HCl से. और टर्शरी कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू द सेकेंडरी एंड प्राइमरी, इसीलिए जो टर्शरी अल्कोहल है ज़्यादा रिएक्टिव होता है देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी. तो यहाँ पे हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की बात करेंगे टर्शरी अल्कोहल में. तो ये था किस तरह से आप इसको लिख सकते हैं कि टर्शरी कार्बोकेटायन्स आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी, दैट इज व्हाई टर्शरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी. नेक्स्ट है बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड, PCl3 और PCl5 दोनों के साथ हम रिएक्शन करेंगे किसका, एल्कोहल्स का. तो यहाँ पे भी क्या होता है CH3CH2OH, इसी को हम दे रहे हैं इथेनॉल को. इथेनॉल का रिएक्शन जब हम PCl5 के साथ करते हैं PCl5, तो क्या फॉर्मेशन होता है CH3CH2Cl, ये वही बनेगा जो पीछे बना था. और इसके साथ जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या निकलेगा यहाँ पे POCl3, PO फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड यहाँ पे निकल जाता है और एक HCl यहाँ पे निकल जाता है. यहाँ से ब्रेकेज होती है, यहाँ हमारे पास जो ये सिस्टम है यहाँ से ब्रेक होता है, तो एक Cl यहाँ जाता है और एक Cl यहाँ जाता है, और बाकी जो बचा हुआ सिस्टम है PCl ये POCl3 यहाँ पे बन जाता है बीच में ये वाला. तो इस तरह से ये प्रोडक्ट हमारे पास क्लोरोइथेन फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और HCl की फॉर्मेशन हो जाती है. और जब रिएक्शन PCl3 के साथ होता है तो PCl3 के साथ क्या होता है CH3CH2OH प्लस PCl3, इट विल गिव यू CH3, अगेन प्रोडक्ट वही बनेगा CH2Cl. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हैलोजन्स कम है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है, तो यहाँ पे 3 times यहाँ पे इथेनॉल रिएक्ट होता है, क्योंकि 3 chlorines हैं PCl3 के साथ, और 3 times ही यहाँ पे क्लोरोइथेन की फॉर्मेशन होती है. प्लस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं मार्क करूँगा रेड कलर से, H3H है यहाँ पे, तो H3H है क्योंकि ये देखो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 3H है और ऑक्सीजन भी 3 है, और एक यहाँ पे फॉस्फोरस है, देखो ऑक्सीजन भी 3 है फॉस्फोरस है, तो H3PO3 ये यहाँ पे निकलता है, जिसका नाम है फॉस्फोरस एसिड, इसको बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें लेते हैं यहाँ पे. तो ये था किस तरह से हम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और ट्राइक्लोराइड से हैलोएल्केन्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं. अब सी टाइप का रिएक्शन है वो किसके साथ है, थायोनिल क्लोराइड के साथ, विद थायोनिल क्लोराइड. थायोनिल क्लोराइड में क्या है, हम क्या करते हैं, फिर से क्या लेंगे, हम एल्कोहल को लेंगे क्योंकि एल्कोहल से प्रिपरेशन कर रहे हैं हम, और इसका रिएक्शन करेंगे हम थायोनिल क्लोराइड. ये फॉर्मूला होता है थायोनिल क्लोराइड का, SOCl2. जब इसके साथ हम रिएक्शन करते हैं तो ये रिएक्शन होता है पिरिडीन की प्रेजेंस में. किसकी प्रेजेंस में होता है, पिरिडीन की प्रेजेंस में होता है. फॉर्मेशन क्या होगा ये हमें पता है कि हम हैलोएल्केन बना रहे हैं, तो ये फिर से फॉर्मेशन यही होगा. और आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर से बताते हैं आपको, ये एक क्लोरीन यहाँ से जुड़ गई, यहाँ पे अटैच हो गई यहाँ पे. अब यहाँ पे क्या रह गया, एक एच और एक क्लोरीन, HCl निकलता है, HCl निकलेगा बाई प्रोडक्ट के रूप में, और ये ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन और ये SO2 निकलेगा. SO2 की फॉर्मेशन होती है हैलोएल्केन्स, HCl और SO2 की फॉर्मेशन है जो थायोनिल क्लोराइड के साथ है एल्कोहल की. इस मेथड को, जो लास्ट मेथड हमने किया थायोनिल क्लोराइड के साथ, इस मेथड को हम सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं हैलोएल्केन बनाने के लिए, क्योंकि इसमें जो यहाँ पे दो चीज़ें निकल रही हैं HCl और SO2, ये दोनों ही गैसेज हैं, ईजिली ये सेपरेट हो जाएंगी, अपने आप ही एस्केप हो जाएंगी, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे प्रोडक्ट क्लोरोइथेन, हैलोएल्केन हमें मिल जाएगा. तो ये था प्रेपरेशन हैलोएल्केन्स का
अल्कोहल्स के साथ डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ। अगर आपको ये पसंद आया लाइक का बटन दबा सकते हैं आप और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से।